वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है। यानी इसकी सहायता से हम अपने सिग्नल का एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं फूरियर सीरीज को भी। तो फूरियर सीरीज को जब हम यूज करते हैं, फूरियर सीरीज का यूज होता है सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। यानी अगर हमारा सिग्नल ए पीरियोडिक है, उस केस में हम फूरियर सीरीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए। उस केस में हम यूज करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म को एपीरियोडिक सिग्नल्स के फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सपोज हमारा टाइम डोमेन वाला एपीरियोडिक सिग्नल है FT, तो इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो FT के फूरियर ट्रांसफॉर्म को या तो हम लिखेंगे F ऑफ ओमेगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FT अगर F ओमेगा है तो इसे हम ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FT। तो दो तरह से हम अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म को लिखते हैं। या तो आप उसे लिख दीजिए F ओमेगा, या आप उसे लिखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FT, कैपिटल F ब्रैकेट में FT। फूरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो तरीके यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो उस केस में चूंकि टाइम डोमेन वाला सिग्नल और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये दोनों मिलके बनाते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, तो जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं एक डबल साइडेड एरो को, जिसके लेफ्ट साइड पर हम लिखते हैं टाइम डोमेन वाला सिग्नल और राइट साइड पर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला ट्रांसफॉर्म। इसको पढ़ा जाता है FT का फूरियर ट्रांसफॉर्म है F ओमेगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के ये तीन तरीके हैं। आप या तो F ओमेगा लिखिए, या F ऑफ FT लिखिए, या FT का फूरियर ट्रांसफॉर्म है F ओमेगा। तीनों कन्वेंशंस में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। जहां पर टाइम डोमेन वाले एपीरियोडिक सिग्नल FT के फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने वाली जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी FT e की पावर माइनस जे ओमेगा टी dt। ये फॉर्मूला हमें किसी भी टाइम डोमेन वाले एपीरियोडिक सिग्नल FT के फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। यानी इस फॉर्मूले की सहायता से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर ये फॉर्मूला तो टाइम डोमेन वाले सिग्नल को लेकर के जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अगर हमें इसका उल्टा काम करना है, उल्टा काम करना है यानी हमें कैलकुलेट करना है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हमें कैलकुलेट करना है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो उस केस में हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला FT इज इक्वल टू 1/2π इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी F ओमेगा e की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को लेकर के जा सकते हैं टाइम डोमेन में, यानी हम कैलकुलेट करते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने वाले ये फॉर्मूले हैं।
इसकी सहायता से फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन होता है और इसकी सहायता से इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन किया जाता है। अब कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन किस तरह के सिग्नल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, किस तरह के सिग्नल्स के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ये पता लगाने के लिए जिस कंडीशन को आपके सिग्नल को सेटिस्फाई करना होता है, यानी अगर दिया गया सिग्नल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, उस कंडीशन को कहा जाता है डिरिचलेट्स कंडीशन। हमें बताती है कि दिए गए सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर आपका सिग्नल FT डिरिचलेट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन उसका पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अब डिरिचलेट्स कंडीशन है क्या? डिरिचलेट्स ने तीन कंडीशन बताई। कंडीशन नंबर एक फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, अगर आपका सिग्नल FT माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब होता है जब आप इस सिग्नल को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं, उस केस में रिजल्ट अगर आपको इनफाइनाइट ना मिले, रिजल्ट इनफाइनाइट से कम हो, यानी कुछ फाइनाइट वैल्यूज आपको मिले, तो अगर FT एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, हम जब FT को इंटीग्रेट करें तो हमें रिजल्ट इन्फिनिटी से कम मिले, अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो ही हमारे सिग्नल का डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन पॉसिबल होगा। पहली डिरिचलेट्स कंडीशन हुई। दूसरी डिरिचलेट्स कंडीशन कहती है कि हमारे सिग्नल में फिक्स नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होनी चाहिए। अगर हमारे सिग्नल में फिक्स नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है तो उस केस में हमारे सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। अब फिक्स नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होने से क्या होगा? फिक्स नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होने से आप उस सिग्नल के पैटर्न को डिफाइन कर सकेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकेंगे, उसकी रिपीटिशन को डिफाइन कर सकेंगे। इसीलिए अगर फिक्स नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो आप उस सिग्नल के नेचर को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर पाओगे, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन उसके लिए आपको पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकेंड डिरिचलेट्स कहती है कि अगर आपके सिग्नल में फिक्स नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है तो आप डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन कर सकते हो। तीसरी डिरिचलेट्स कंडीशन कहती है कि आपके सिग्नल में अगर फिक्स नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, डिसकंटिन्यूटी यानी ब्रेक्स हो, तो अगर आपके सिग्नल में फिक्स नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं तो आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एस्टिमेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि डिसकंटिन्यूटीज यानी आपके सिग्नल में ब्रेक्स आना, एकदम से पैटर्न बदल देना, तो अगर ये पैटर्न बदलना रेगुलर नहीं है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो फिक्स नहीं है, तो आप सिग्नल के नेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उस केस में फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एस्टिमेशन तभी पॉसिबल है जब वो इन तीन डिरिचलेट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, उसमें फिक्स नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो और उसमें फिक्स नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो, तो ही हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के एडवांटेजेस से। फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करने से हमें क्या फायदे मिलने वाले हैं? सबसे बड़ा फायदा है फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करने से
कि इसके माध्यम से आप ए पीरियोडिक सिग्नल्स का भी फूरियर या फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर सकते हैं। फूरियर सीरीज अगर हम यूज करते हैं तो फूरियर सीरीज के माध्यम से हम सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स का ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर सकते हैं, वहीं पर फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पीरियोडिक और ए पीरियोडिक दोनों तरह के सिग्नल के फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हमारी सहायता करता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसके माध्यम से पीरियोडिक सिग्नल और ए पीरियोडिक सिग्नल दोनों तरह के सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, जबकि फूरियर सीरीज के माध्यम से आप सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स का ही एनालिसिस कर सकते थे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसके बाद दूसरा एडवांटेज है कि किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म यूनिक होता है, यानी इस केस में फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स में यूनिकनेस रहती है। मतलब अगर आपका टाइम डोमेन सिग्नल xn का फूरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है तो इस x ओमेगा के रिस्पेक्टिव टाइम डोमेन में आपको सिर्फ xn ही मिलेगा, कोई और सिग्नल नहीं, और सिर्फ ट्रांसफॉर्म की सहायता से ही आप अपने टाइम डोमेन वाला सिग्नल पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और जानकारी आपको नहीं चाहिए होती। जैसे z ट्रांसफॉर्म में हमने देखा था कि हमें z ट्रांसफॉर्म के साथ साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताया जाएगा, तभी हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल का पता लगा सकते हैं। लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो आप टाइम डोमेन वाले सिग्नल को एस्टिमेट कर सकते हैं, आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म यूनिक होता है, यानी हर टाइम डोमेन सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म अलग अलग होता है। किन्हीं दो टाइम डोमेन सिग्नल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म सेम नहीं हो सकता। तो ये एडवांटेज है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। इसके बाद अगला एडवांटेज ये है कि आप कंटिन्यूअस सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम यूज करते हैं जनरली सिस्टम्स के एनालिसिस के लिए, सिस्टम के ट्रांजिएंट्स क्या हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इन सारे एनालिसिस के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। वहीं पर अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, अगर हमें किसी कम्युनिकेशन सिस्टम का एनालिसिस करना है, उसकी बैंडविड्थ, उसके कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम कर रहा है, मतलब अगर हमें किसी कम्युनिकेशन सिस्टम की एज अ होल एनालिसिस करना है, तो उस केस में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। उस केस में हमें यूज करना पड़ता है फूरियर ट्रांसफॉर्म को। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करने के जो मेन तीन एडवांटेजेस हैं, एक तो आप एपीरियोडिक सिग्नल्स का एनालिसिस कर सकते हो, दूसरा ये यूनिक होता है, और तीसरा आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के ओवरऑल एनालिसिस के लिए सारे टूल्स ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे ऐसे टाइम डोमेन सिग्नल्स हैं जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए उस सिग्नल को डिरिचलेट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो सिग्नल्स डिरिचलेट्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इस केस में बहुत सारे सिग्नल्स ऐसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म एस्टिमेशन में हम जो डोमेन का वेरिएबल है म्यू प्लस जे ओमेगा, जैसा हमने लाप्लास में देखा था, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं तो लाप्लास वेरिएबल एस म्यू प्लस जे ओमेगा के बराबर होता है, जहां पर म्यू को कहा जाता है डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में इसी डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू हो जाती है जीरो और आपका वेरिएबल हो जाता है ओमेगा। तो अब डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू जीरो होने के कारण बहुत सारे सिग्नल्स डैम्प नहीं कर पाते, जिसके कारण से उनका
फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे सिग्नल्स इस कैटेगरी में आते हैं जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये है आपका पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म उन सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं जो स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी हैं यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अगर आपके पास कोई ऐसा सिग्नल आता है जो स्टेशनरी नहीं है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है बल्कि लगातार बदलती जाती है, तो इस केस में फूरियर ट्रांसफॉर्म एक अच्छा टूल नहीं है ऐसे सिग्नल की एनालिसिस के लिए। तो सिर्फ स्टेशनरी सिग्नल के केस में ही फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम अप्लाई करते हैं उस सिग्नल के एनालिसिस में। अगर हमारा सिग्नल नॉन स्टेशनरी है तो हम उसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को प्रेफर नहीं करते हैं। तो इस तरह से फूरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका, फॉर्मूला, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखे। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म।